हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज की वीडियो में इस तरीके से बात करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूँ। कल मैं एक मीटअप में गया था अनमोल भाई के, आज तक तो मैंने कोई मीटअप करानी है भाई, मैं शर्म से बहुत भरा रहता हूँ, मेरे पे नहीं हो पाता, सोशलाइज थोड़ा सा कम हूँ मैं। तो वहां पे मैंने एक चीज रियलाइज करी स्कॉर्पियन ऑस्ट्रेलिया वाले में कि यार जो मिलने वाले होते हैं वो तो बहुत कम आते हैं, मतलब उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे यूट्यूबर हो गए, ब्लॉगर हो गए, वो ज्यादा आते हैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करके। हर कोई ऐसे चाहता है कि हम वीडियोस अपलोड करें, यूट्यूब पे ग्रो करें, उसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई, बहुत अच्छी चीज है। बट आज मैं थोड़े से आपको डार्क साइड्स भी इसके बताने वाला हूँ। अब ये मैं समझना कि मैं डिमोटिवेट करूंगा भाई, देखो अच्छी अच्छी चीजें तो हर कोई बता देता है सारी, मतलब कोई अपनी बुराई या अपना वो नहीं बताना चाहता कि मेरे साथ क्या हुआ या कुछ भी ऐसे वो। बट मैं चलो आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आजकल की यूथ है, जो हमारे भाई हैं नए नए नौजवान, वो थोड़े से इसमें आके ना गलत हरकतें कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से बहुत भुगतना पड़ता है। अब वो करेंगे ही क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मतलब मेनली गाड़ी का रिव्यूज तो आप देखते ही रहते हो, पर ऐसा ज्ञान भी कभी कभी जरूरी रहता है भाई, तो अपने भाई की लिटिल लिटिल बातें जरा ध्यान से सुनना आज। चलो मेन मुद्दे पे आता हूँ, स्टोरी पूरा आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। भाई मैं फरीदाबाद में एक रेस करता हूँ, खाली रोड खाली ट्रैक्स पे, और मैं यूट्यूब पे आज से ना 2019 से हूँ भाई। तो ये वीडियो ड्रैग रेस वगैरह आजकल तो मतलब कई चैनल इसी के ऊपर बेस्ड है। उस टाइम मैं कर लेता था, मतलब एक आध दो चार वीडियो मतलब महीने में डाल देता था रेसिंग की। बट भाई कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा मेरे को अभी देखने को मिला। अब इससे एक चीज ये भी पता चल रही है, जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना कि एक गाड़ियों की कंपनियां जो है बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, हम कोई भी वीडियो डालते हैं तुरंत उस पर एक्शन होता है, चाहे वो डीलरशिप लेवल हो चाहे कुछ भी। अगर हम भी कोई गलत काम करते हैं तो भाई हम पे भी एक्शन होता है। तो भैया ऐसा ही कुछ हुआ, अब मैं फरीदाबाद में भैया रेस लगा रहा था भाई, 19 से कर रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, 4-5 साल हो गए यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया मैंने एक चीज देख ली, यूपी की पुलिस भाई, पुलिस की ना आजकल इतनी पैनी नजर है ना, जैसे कार कंपनियों की है किसी की भी। सोशल मीडिया अच्छा है तो बुरा भी है बहुत लोगों को, मैं आज बताना चाहूंगा, अगर इसके पॉजिटिव्स है ना तो इसकी डार्क साइड्स भी बहुत ज्यादा है भाई। तो हुआ क्या भाई, मैंने वो वीडियो डाल दी। अब मेरी गाड़ी है UP 16, थोड़ा वो रोड पे मतलब वैसे खाली था बिल्कुल, हमने पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम लोग करते हैं ये रेस वगैरह, तो वो रोड पूरा खाली था, बट उसमें गाड़ी 150 टच कर गई। ड्रैग रेसिस में कर जाती है भाई, गलती मेरी भी है, पूरी गलती हमारी है भाई, करना ही नहीं चाहिए वैसे तो। अपना खाली रोड अपना प्राइवेट बनवा लो सबसे बेस्ट है, या कोई ना है, क्योंकि एट द एंड दूसरों अगर पब्लिक रोड में बेशक खाली है, क्या पता कहाँ से कोई भी आ जाए। मैंने वो वीडियो डाल डूल दी, एक मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस वीडियो को डले हुए भाई, मेरे पास यूपी पुलिस से कॉल आती है, वहाँ के इंस्पेक्टर से ग्रेटर नोएडा जो 16 ही है, कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो डाली है इसकी, भाई हमें गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए UP 16 एंडेवर। मैं कहा क्या हो गया जी, कह रहे ऐसे ऐसे तुमने रेस लगाई है। और उस टाइम क्या था, मैं बाहर था कहीं पे, मतलब हरियाणा में नहीं था, यूपी में नहीं था, मैं दूसरे स्टेट में था कहीं बाहर, और मैं हफ्ते भर के लिए गया था, उसका व्लॉग मैं कुछ डाला नहीं था, ऐसे पर्सनल प्राइवेट गया था। तो भैया मैंने कहा ऐसे ऐसे गाड़ी तो मेरे पास है, मैं यहाँ हूँ। वो कह रहे हमें नहीं पता, हमें तो गाड़ी चाहिए कैसे भी। मैं कह रहा आप जो भी चलान बनता हो आप चलान कर दो, रेस ड्राइविंग का 5,000 रुपये या जो भी रहता है रेसिंग वेसिंग का। वो कहते ना हमें तो गाड़ी चाहिए, हम तो गाड़ी सीज करेंगे। फिर मैंने उनको समझाया सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे, फिर वो पता खुद बोलते हैं हाँ वो तो हमने ट्रेस करवा लिया फोन आपका। मतलब इस लेवल आप देख रहे हो, जस्ट किया वीडियो, रेस की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी, भैया उन्होंने देख लिया उन्होंने। मैंने कह दिया सर मेरे को तो टाइम लगेगा, मैं 1,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ गाड़ी लेके। मैंने मतलब हर तरीके से जैसे जो लगा सकता है कोई भी आम आदमी होता है, पहले तो वैसे समझाने का, सर कोई नहीं गलती हो गई, माफी वाफी सब चीज हो गई, चलान का बोल दिया सर चलान कर दो अब कोई बात नहीं, अब गलती करी तो फाइन तो पे करना पड़ेगा। बट नो भाई, वो इतना ज्यादा जिद पे अड़े हुए थे ना, अगर से लिंक विंक होते हैं भाई इधर उधर से फोन फान करवाना, देखो सच बोलूंगा सारा ये इंडिया है भाई, सब चीज करवा ली भाई। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट ये CPA CP जो रहते हैं ना उनसे वो है, ऐसे यहाँ पे होगा ही नहीं, मतलब इस केस में हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा भाई, मैं सर से कह रहा सर दुनिया करती है ये तो, और भी करी है ऐसे तो होता ही नहीं। वो कहते जो पकड़ा गया वही चोर है। मैं कह रहा भैया अच्छे फंसे हैं अच्छे दाए लिए। तो ऐसे करते करते भैया मैं बाहर था तो रोज फोन आए दबा के आए कि आ जाओ। अब मैं बाहर, अब मैं कैसे आऊं भाई, मैं इंपॉर्टेंट काम से। अब आप सीरियसनेस देखना केस की। उन्होंने मेरे से बोला या तो भैया गाड़ी ले आओ, नहीं तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे यहाँ से UP 16 से, पर गाड़ी अपने टुकड़ों में जैसे रखनी है रखना, अब बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चल ही नहीं सकती। इतना मोटा कलेश, रजिस्ट्रेशन कैंसिल,
मैं आ गया अगले दिन ही, भैया डर जाते हैं ऑब्वियस सी बात है। फिर भैया मैं गाड़ी ले गया अपनी कि चलो सर देख लो अब जैसा आपको सही लगे। तो भाई फिर वहां जाकर रिक्वेस्ट वगैरह करी फिर मैंने कि सर कोई नहीं गलती सलती हो गई आपकी बालक है कोई बात ना। फिर भाई उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, सीज वीज तो उन्होंने फिक्र नहीं करी, फिर उन्होंने बस एक थाने के आगे जरूर फोटो खींचा था जो आप देख रहे हो अभी, ये फोटो जरूर खींचा उन्होंने इसके कि ये तो जरूरी है मेरे को लेना पड़ेगा। और उन्होंने मेरा 5,000 रुपये का चलान करा भाई रैश ड्राइविंग का। आप कभी भी यूपी ये गाड़ी का नंबर अगर आपको झूठी स्टोरी वगैरह लग रही हो, जैसे बहुत रहते हैं ऐसा सामाजिक तत्व बहुत सारे तो उनको लग सकती है, तो भाई आप चेक कर सकते हो चलान डिटेल विटेल, आजकल प्राइवेसी कुछ है ही नहीं किसी चीज की। तो भैया फिर ऐसे मामला निपट गया 5,000 रुपये का, मतलब मेरा वो हो गया। फिर भी ठीक है यार आराम से कोई बात नहीं, गलती सलती होती है मैंने कर दिया। अब मैं अगर करता भी हूँ तो अपने बिल्कुल अपने प्राइवेट रोड पे करता हूँ जहाँ पे ऐसी कोई समस्या ही ना आए। और एक बात और इसी बीच कहूंगा भाई, जब ऐसा कुछ होता है ना आपके साथ जिंदगी में, देखो जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है ना तो आपके साथ दुनिया रहती है भाई, ऐसे जब कुछ हुआ है ना ऐसा कुछ सीन होता है पुलिस वुलिस का तो बहुत दुनिया भाई वो हो जाती है कि भाई देख लो यार तेरा सीन कैसे निपटे कैसे निपटाना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये सिचुएशन में आओ ही मत, लोगों को आने ही मत दो कि वो मजे लें, मतलब मजे लेने वाले बहुत होते हैं बीच में, उनको मजे लेने ही मत दो ना, ऐसे काम ही क्यों करने हैं जिससे लोग मजे लें। अब जैसे घने तो इस वीडियो से भी ले रहे होंगे, बट लेते रहो भाई अच्छे लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, बुरे तो तेरे दुनिया भर के कहीं भी रहते हैं। अब भाई ये तो मैंने स्टोरी आपको 2-4-5 मिनट में बता दी, पर जो 7 दिन मेरे साथ चला था ना, मतलब इतना प्रेशर सा बना देते हैं बहुत ज्यादा कि ला गाड़ी 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 गाड़ी। अब मैं ये तो मेरा एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको और केस बताता हूँ। आप आए दिन देखते होंगे हमारे यूथ को पता नहीं रील राल के चक्कर में क्या है क्या नहीं, किसी को देख लो रोड्स के ऊपर कोई स्टंट मार रहा है कोई ड्रिफ्ट कर रहा है, और गुड़गांव में तो इतना ज्यादा है बोनटों पे रख के दिवाली पे भाई पटाखे फोड़ते हैं ये फोड़ते हैं। आप आए दिन फेसबुक वगैरह पे सुनते रहते होंगे कोई भाई गाड़ी को उल्टी चला रहा है मेन DLF वाले रोड पे, गाड़ी उल्टी भगा रहा है, वो सब थाने पहुंचती है ऐसे करके ही पहुंचती है भाई। तो भाई मैं बस भाइयों से ये कहूंगा कि आप लोग ना फेमस होने के लिए ना शॉर्टकट ना ढूंढो कोई भी कि कोई ऐसा इजी काम कर लेते हैं। मैंने भाई ये सब अब कान मंटा दे लिया है, ये ऐसे काम करने ही नहीं है जहाँ पे ये रेस रूस और ये सब इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे भी ये पुलिस का कुछ लीगलिटीज वाला इशू बने, क्योंकि एट द एंड भाई देखो सब कोई हर कोई हमारी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी है। हम तो चलो अपना जो भी हरकतें कर रहे हैं बाबा जी के लिए फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए व्हाटएवर, पर हमारी वजह से किसी दूसरे की जान को खतरा हो सकता है। मतलब एक पल को ना आप अगर ऐसे लोकल में कुछ करोगे अपने एरिया में तब वैसे ना पकड़े जाओगे, पर भैया वो चीज़ अगर सोशल मीडिया पर डल गई तो आप जरूर पकड़े जाओगे। अगर उसमें आपकी गाड़ी का नंबर विजिबल है तो 110%, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा सीन होगा तो आपकी गाड़ी को सीज किया जाएगा, नहीं तो आपका चलान तो गारंटी से। और एक और मेन चीज आप देखिए भाई कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से कितना फर्क पड़ता है। मैंने रेस करी फरीदाबाद में, अगर वहां पे उस टाइम पे भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता, कुछ कहीं भी गाड़ी किसी की लग जाए या कुछ भी बाइक वाइक लग जाए, तो वहां पे केस कहां पे बनने वाला था? फरीदाबाद बनता। बट भाई सारा ये सब चला कहां, ये पूरा सीन यूपी पुलिस स्टेशन में जहां का कोई लिंक ही नहीं है कहां फरीदाबाद कहां ग्रेटर नोएडा। मान लो ऐसे में कहीं रेस वेस कहीं नीचे केरल फेरल में करूं, कोई तमिलनाडु में जाके कर लूं, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यूपी 16 है तो ऑनलाइन का मैं सिस्टम बता रहा हूं, ऑफलाइन में तो ऑब्वियसली वही होता कुछ भी होता तो, बट ऑनलाइन में जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है आपका HR 26 होता मेरी गाड़ी का, तो मैं HR 26 में अगर हरियाणा पुलिस सक्रिय होती तो मैं वहां पे ये मेरा ये सीन चलता। मैं ओनली रेस की नहीं कह रहा भाई, मतलब कुछ भी गलत काम पब्लिक प्लेस पे से ड्रिफ्ट रूट मानना कोई ऐसे ज्यादा ओवर स्पीड करना ये सब वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालो भाई, मैं तो ये कहूंगा। अब भाई जैसे यूपी तो मेरे पास था, मैं तो चला गया वहां पे अपना सारा कुछ सॉर्ट हो गया, वो बोल भी मतलब कोऑपरेटिव थे पुलिस वाले, बहुत कह रहे सीज हो भी जाएगी तो क्या टेंशन ले रहे हो कोई नहीं 2 दिन में छूट जाती है ऐसे ऐसे। बट भाई बात ये है अगर मान लो मेरी रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी होती भाई महाराष्ट्र की MH नंबर, मैं वहां कैसे जाता गाड़ी लेके। तो भैया मेरे नौजवान मित्रों दोस्तों यारों, ये रील फील मत बनाया करो, मतलब बनाओ अच्छी बनाओ, ये ऐसे हवाबाजी मत करो दूसरों को देखा देख कि भाई चलते रोड पे ड्रिफ्ट मार रहे हो पब्लिक रोड पे कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो, पकड़े जाओगे ना तो भैया इतना मोटा मोटा चलान है आज के टाइम में। और जो मेंटली परेशान होगे वो अलग है, पैसे फाइनेंशियली तो लुटोगे ही मेंटली भी लुटोगे, तो क्यों ये काम करने यार, क्यों खामा खा हवाबाजों के पीछे पागल होना। वो तो कभी आपको बताएंगे नहीं क्या सही है क्या गलत है, कौन चाहता है कोई सही राह पे जाए। मुझे तो ठोकर लगी भाई, मैं नहीं चाहता मेरी तरह ठोकर खा के आप भी करो, बस मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो। वीडियो देखने के लिए भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।